अमित शाह जी के आने की तैयारी सिरसा में चल पड़ी है। फायर एक्सटिंग्विशर आ गए हैं और सोलह हाथ में दिखाऊंगा प्रेन फायर की गाड़ी जो है वो भी आ गई है, दमकल विभाग की गाड़ियां भी आ गई है और मतलब हर डिपार्टमेंट आज कान खड़े कर रहा है क्योंकि गृह मंत्री सेंटर के मिनिस्टर अमित शाह जी आ आएंगे भाई। दूसरा प्रधानमंत्री का स्कोन के इजाजत के बिना पत्ते नहीं ले रहे। राम राम भाई सर भाई अनुमत थारा भाई लोग फिलहाल थारा स्वागत है हरियाणा भाई तरह सबका प्यारा सब तेरा राम। और फिलहाल मैं पीछे की तैयारी आप लोगों को दिखा दूँ। पुलिस प्रशासन की लगभग 13 SP 30 DSP और ना जाने कितने इंस्पेक्टर और कितने टुकड़ियाँ CRPF की, लगभग 3 से 4 टुकड़ियाँ CRPF और BSF की बताई गई हैं। फिलहाल ये तैयारियाँ जो है वो तुमने हम दिखा दूँ। स्टेज जो मेन स्टेज है वो बीच में है, वो भी आपने जरूर दिखाऊंगा, लेकिन यह स्टेज जो देश को एक LED स्टेज है, LED लगाई गई है, जो भी मेन स्टेज पर कार्यक्रम चलेगा वो इस स्टेज पर दिखाई देगा। मैं तैयारी एक बार आपने जरूर दिखाऊंगा। सबसे तो पहले प्रेन की उस साइड जो है सारा VIP एस्कॉर्ट के लिए एरिया बनाया गया है, वो एरिया भी मैं आपने दिखाऊंगा। आज यहाँ पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के दो मेन रीजन है, दिखा दे भाई। यो जो मेन एंट्री है, जितने भी अफसर तमाम ऑफिसर जो है वो आड़े का होंगे और जो अमित शाह जी आओगे वो राइट साइड में दिखाऊंगा मैं आपने। उस साइड एक गेट है, वो अगला गेट जो VVIP गेट है, सिर्फ उस तय जितने VVIP पर्सन होंगे उनकी एंट्री होगी। और ये जो पूरा एरिया है एस्कॉर्ट का, सरकारी वाहना का, पूरा बनाया गया है फुल सिक्योरिटी। दो मेन रीजन है इसके, वो दोनों मेन रीजन मैं आपने बताऊंगा। कैमरामैन जितने कहता रहूंगा कि भी साथ साथ आगे की स्थिति दिखाई जाओ, जितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और CRPF RAF हर चीज जो है वो तैनात है यहाँ करी गई है, क्योंकि ऐलान कर दिया गया था सरपंच द्वारा कि भाई हम विरोध भी जो है कर सकते हैं, सरपंच विरोध भी कर सके हैं। और दूसरे भाई सिक्योरिटी तो होनी है क्योंकि सेंटर के मिनिस्टर वो भी गृह मंत्री अमित शाह जी आड़े आने लग रहे हैं। तो सब रिक्वेस्ट है एक बार तो इस वीडियो ने शेयर करते रहो और अंदर भी दिखाऊंगा मैं, अंदर भी दिखाऊंगा अंदर भी जो पुलिस की तमाम सिक्योरिटी, पुलिस चप्पे चप्पे पे मुस्तैदी तक खड़ी है। लगभग 20 एंट्री गेट, जो खबर है कि लगभग 20 एंट्री गेट, हर एक एंट्री गेट के ऊपर जो चेकिंग के लिए मेटल डिटेक्टर मशीन और उसके बाद पुलिस के जो कर्मचारी है वो अपने हाथों तक भी चेक करें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो अंदर ना जा पावे। और एक बहुत बड़ी रैली यह आज करी गई है सिरसा के अंदर, अमित शाह जी आवेंगे, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो सिक्योरिटी देखते ही बना है, सिक्योरिटी जबरदस्त है। रीज़न मैंने आपने दो बताए हैं, दो मुख्य रीज़न इस सिक्योरिटी के, एक तो अमित शाह जी आऊँ, दूसरा सरपंच ने कहा था कि भाई विरोध कराएंगे। पिछली बार गुवाहाने में रैली हुई थी, उस टाइम पर भी बारिश आई थी हालांकि, और आज भी बारिश का मौसम है, लेकिन उस टाइम बारिश के कारण रैली रद्द हुई थी। लेकिन कितने ना कितने लोगों का कहना यह था कि भाई यह रैली बारिश के कारण नहीं, संख्या नहीं जुड़ी, अमित शाह जी गाना रद्द होया था, खट्टर साहब ने भाषण दिया था, रद्द क्यों होया था भाई, संख्या नहीं जुड़ी और विरोध सरपंच द्वारा कराया जाओगा। ये दो मुख्य रीजन लोगों ने बताए थे, लेकिन उसका मुख्य रीजन जो बीजेपी पार्टी ने दिया था कि भाई बारिश के कारण जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ नहीं पाओगा मौसम खराब होने के कारण, इसलिए वो रैली का जो आना था वो पूरा सिस्टम था अमित शाह जी का, वो डिले कर दिया गया। तो एक बार ये दिखा दूं मैं, सिक्योरिटी जो चप्पे चप्पे पर तैनात करी गई है, लगभग 13 SP अलग अलग जिलों के SP जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, अलग अलग तरीके से सिविल ड्रेस में जो पुलिस है वो हर तरीके से यहाँ पर लगाई गई है। लगभग 20 एंट्री गेट हैं और मेन स्टेज की तरफ मैं आपने एक बार थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, मेन स्टेज पर फोकस आपका करवाना चाहूँगा। कैमरामैन तक कहूँगा एक बार जूम करके दिखा दो, जो मेन स्टेज फिलहाल देख सको हो, फिलहाल जो स्टेज देख सको हो आप लोग वो मेन स्टेज है, जिसका प्रसारण लेफ्ट और राइट दोनों स्टेज पर होगा। मतलब कुल मिलाकर 3 पंडाल हैं, बड़ी संख्या में पब्लिक यहाँ पहुँचेगी, जो पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता हैं बीजेपी पार्टी के वो यहाँ पहुँचेंगे और संबोधन करेंगे श्री अमित शाह जी। इसके बाद आगे पंजाब में भी उन्हें जाना है, उड़े भी एक उनका कार्यक्रम जो है बताया गया है, या इससे पहले भी उसका, मतलब आज कुल मिला के 2 कार्यक्रम अमित शाह जी के हैं। फिलहाल एक बार और आगे तक की सिक्योरिटी, जो मैं गेट आपने दिखाने में लगातार कि एंट्री गेट जो 20 के करीब एंट्री गेट लगाए गए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, चप्पे चप्पे पुलिस की नज़र है। एक बार यहाँ पर दिखाना चाहूँगा किस प्रकार तक चेकिंग करी जा हुआ है, किस प्रकार तक चेकिंग करी जाने लग रही है। एक एक व्यक्ति को अच्छे तरीके पहले मेटल डिटेक्टर जो मशीन है उसके अंदर डिटेक्शन होगी, उसके बाद वो देख सको हो कि पुलिस के कर्मचारी
पहले मशीन तो चेक करा, उसके बाद हाथों तक भी चेक करा, कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज जो है वो ना लेके जाओ अंदर। फिलहाल महिलाओं के लिए अलग एक कैबिन बनाए गए हैं, महिलाओं की सेफ्टी ने देखते हुए, महिलाओं के संरक्षण के लिए देख सको हो एक अलग कैबिन बनाए गए हैं, जहाँ का स्पेशल एंट्री भी करवाई जावे और चारों तरफ का ये सुविधा जो है फिलहाल दी गई है प्रशासन की तरफ से। काफ़ी ज़बरदस्त जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वे करे गए हैं, क्योंकि सेंटर मिनिस्टर अमित शाह जी, गृह मंत्री जो हैं भारत के, वो फिलहाल यहाँ पहुँचने लग रहे हैं। और अमित शाह जी का सब नबेरा है भाई, खरिया है तो खरिया है, अली इसके बीच में ना कहीं आगे रेस्टिंग भी होली। मैं आपने बता दूं कई किसान नेता, कई जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जैसे नवीन जैन हिंदू, उनकी भी गिरफ्तारी हो तक तो हो चुकी है, या फिर कैसको नज़रबंद उनको कर लिया गया है। सुबह लगभग 7:30 बजे के करीब पुलिस जो है उनके पास पहुँच गई थी, जितनी खबर फिलहाल तक हमारे पास आई है। तो मेन पंडाल एक बार फिर दिखा दूँ मैं, उसके बाद राइट साइड का एक और पंडाल है वो मैं आपने दिखा दूँ। तो नज़रबंद कर लिए गए हैं अलग अलग जगह, क्योंकि विरोध होने का डर इसमें था। बीजेपी की रैली है, विरोध तमाम विपक्ष भी कोशिश कर रहा है, तमाम जो और संगठन हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि विरोध किया जा सके, लेकिन ये देखने की चीज़ होगी पुलिस का इतना बड़ा और सख्त पहरा। लगभग 13 जिलों के SP यहाँ पर मौजूद है, छोटी चीज़ नहीं है। इस वीडियो में तो तुम कर दियो शेयर, थारा के कुछ कहना है एक बार कमेंट करके जरूर बता दियो। हाई सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गलियां जो है यहाँ लगाई गई। राम राम, जय जवाहर, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।